हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोमल अपनी दोस्त के साथ कॉलेज जा रही थी, तभी उसकी दोस्त उससे कहती है, कोमल यार चलना वहाँ जाकर कचौड़ी खाते हैं, मेरा बहुत मन कर रहा है यार कचौड़ी खाने का। क्या कहा, कचौड़ी? वैसे मैंने भी काफी समय से कचौड़ी नहीं खाई है, चल खा ही लेते हैं। इतना कहकर दोनों दोस्त कचौड़ी वाले के यहाँ पर कचौड़ी खाने के लिए चले जाते हैं। कचौड़ी वाला दोनों को एक एक प्लेट कचौड़ी दे देता है और उसे रीमा तो बड़े मजे से खाती है। और जब कोमल कचौड़ी खाती है तभी अचानक वो जोर से चिल्ला पड़ती है और ये देखकर रीमा कहती है, अरे क्या हुआ, तू इतनी तेज क्यों चिल्ला रही है, कचौड़ी अच्छी नहीं लगी क्या तुझे? नहीं यार, मेरे दांत में बहुत दर्द है, पता नहीं ऐसा क्या हो गया है दांत में, ऐसा लग रहा है कि टूट ही गए हैं। अरे ऐसा क्या हो गया तेरे दांत में, जा जाकर डॉक्टर को दिखा, वरना बाद में दिक्कत हो जाती है अगर टाइम से दवा ना लो तो। तभी कोमल वहाँ से घर के लिए चली जाती है और घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसके बाद उसकी माँ उसे डेंटिस्ट के पास ले जाती है, जिसके बाद डॉक्टर बताता है कि कोमल के दांत के ऊपर की गाढ़ फूल गई है, इस वजह से कोमल को कुछ दिन चबाने वाली चीजें नहीं खानी है, उसे ज्यादातर गीला खाना खाना होगा जिससे कि उसकी दाढ़ में दर्द ना हो। ये सुनकर कोमल उदास हो जाती है क्योंकि उसे खाने में ज्यादातर रोटी खाना जो पसंद था, लेकिन अब उसे रोटी खानी छोड़नी पड़ेगी। और शाम के समय उसकी माँ उसे दाल के साथ एक चम्मच देकर कहती है, ये ले कोमल, दाल को तू इस चम्मच से पी जा, क्योंकि ना तो अब तू चावल खा सकती है और ना ही रोटी, तो तुझे अब से इस चम्मच से ही खाना होगा। नहीं माँ, मुझे खाने में दाल के साथ रोटी ही खानी है, मैं चम्मच से नहीं खाऊंगी। और रही बात चबा कर खाने की, तो मैं अपने मुंह की दूसरी दाल से भी तो खा सकती हूँ। अरे नहीं, तू ऐसे नहीं खा पाएगी। चल ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, ये जो रोटी है इसके दाल में छोटे छोटे टुकड़े करके दे देती हूँ, जिसके बाद ये गीली रोटी हो जाएगी, तू आराम से चबाए बिना ही इसे खा सकती है। ठीक है माँ, आपको जैसे भी देनी है दे दो, लेकिन रोटियाँ दे दो, फिर चाहे वो गीली हो या सूखी, मुझे रोटी ही खानी है। अब चमेली कोमल के लिए दाल में डालकर रोटी लेकर आती है ताकि कोमल आराम से उसे खा सके। और कोमल को जब चमेली ये खाना देती है तो वो आराम से उसे खा लेती है। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब कोमल का कॉलेज में आखिरी एग्जाम था। कॉलेज के एग्जाम खत्म होने के बाद रीमा कोमल से कहती है, ओए तेरे दांत अब ठीक है ना, तूने डॉक्टर को दिखाया था ना? हाँ मैंने दिखा लिया है, उन्होंने कहा कि बस कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चल अब हम दोनों छोले भटूरे खाते हैं, मेरा बहुत मन कर रहा है। नहीं यार, मेरा मन नहीं है छोले भटूरे खाने का, मैं आज खाना लाई हूँ घर से। अच्छा ठीक है, तू खाना खा लेना अपना, मैं छोले भटूरे खा लूंगी, सुना है यहाँ के छोले भटूरे बहुत मजेदार होते हैं, मेरा तो बहुत मन कर रहा है खाने का। इतना कहकर दोनों दोस्त खाना खाने के लिए छोले भटूरे खाने चले जाते हैं और रीमा वहाँ एक छोले भटूरे लेती है और कोमल अपने घर से दाल में डाली हुई गीली रोटी लेकर आती है। ये देखकर रीमा कहती है, ये क्या है, तो तू आजकल ये सब खा रही है, अभी तक ठीक नहीं हुए क्या तेरे दांत? ये गीली रोटी है, आजकल मैं यही खा रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कोई भी चबाने वाली चीज मुझे नहीं खानी है अभी, इसलिए आजकल मैं गीली रोटी ही खाती हूँ। क्या गीली रोटी? तू ये गीली रोटी खा कैसे लेती है यार, मैं तो कभी ना खा पाऊंगी ये सब। क्या करूँ यार, खाना तो पड़ता ही है, अगर ये नहीं खाऊंगी तो भूखी मरूंगी क्या। इतना कहकर अब कोमल गीली रोटी खाने लगती है, तभी आसपास से जाने वाले लोग उसे देखकर बातें बनाना शुरू करते हैं और कोमल को उनके सामने गीली रोटी खाने में बहुत शर्म आती है और वो आधी गीली रोटी खाकर अपने लंच बॉक्स में उसे रख देती है और घर के लिए चल देती है। कुछ देर बाद जब वो घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसके घर कुछ लोग उसके रिश्ते की बात करने के लिए आए हैं। ये देखकर वो अपनी माँ को एक तरफ ले जाकर कहती है, माँ ये सब क्या हो रहा है और ये सब कौन है, इन्हें तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। अरे कोमल, ये सब तेरी शादी की बात करने आए हैं और यहाँ पर तेरे रिश्ते की बात हो रही है, चल मेरे साथ वहाँ। अरे माँ पागल वागल हो गए हो क्या आप लोग, जब उन्हें पता चलेगा कि मेरे दांत में दर्द होने की वजह से मैं रोज खाने में गीली रोटियाँ खाती हूँ तो वो लोग मेरा मजाक बनाएंगे। अरे
तब तक तो तेरे दांत भी ठीक हो जाएंगे और तुझे ये गीली रोटी भी नहीं खानी पड़ेगी। चल चुपचाप। इतना कहकर अब चमेली कोमल को सबके सामने लेकर जाती है और उनसे कोमल को मिलवाती है, जिसके बाद सभी को कोमल बहुत पसंद आती है और उसकी होने वाली सास कोकिला कोमल से कहती है, अरे अब तुम मेरी होने वाली बहू हो, ये लो मेरे हाथ से मिठाई खाओ। नहीं आंटी जी, आप ही खाओ, मुझे मीठा पसंद नहीं है, आप खाओ आराम से। अरे बेटी एक बार बस थोड़ा सा मेरे हाथ से खा भी लो। इतना कहकर अब कोकिला कोमल को अपने हाथ से जबरदस्ती एक लड्डू खिला ही देती है। कोमल लड्डू मुंह में रख तो लेती है लेकिन उसे खाती नहीं है और सब के जाने के बाद कोमल भागकर बाथरूम में जाती है और उस लड्डू को मुंह से बाहर फेंक देती है और बोलती है, हे भगवान ये बुढ़िया तो मुंह में लड्डू ठूस कर ही चली गई, बहुत दर्द हो रहा है दांत में, क्या करूं। कुछ देर बाद कोमल भागकर डॉक्टर के पास जाती है और वहां पर डॉक्टर उसे बताता है कि जहां उसकी दाढ़ का दर्द 2 दिन में ठीक होता वहीं अब उसे और ज्यादा समय लगने वाला है। यूं ही कुछ दिन और बीतते हैं, अब कोमल की राहुल से शादी हो जाती है और शादी की अगली सुबह कोमल अपनी सास से कहती है, माँ जी आज खाने में क्या बनाना चाहिए जो घर में सब खा लेते हो और सबको पसंद भी हो। बहू एक काम करना, सबके लिए आलू पूरी बना दे, सबको पसंद भी है खाने में आलू पूरी। क्या कहा आलू पूरी, पूरी खाऊंगी तो मेरे दांत में दर्द होगा। एक काम करती हूँ, अपने लिए थोड़ी गीली रोटियां ही बना लेती हूँ और बाकियों के लिए आलू पूरी। ओहो अरे बहू क्या हो गया, कहाँ खो गई तू। कुछ नहीं माँ जी, वो ऐसे ही कुछ बात याद आ गई थी, चलो मैं जाती हूँ सबके लिए खाना बनाने। इतना कहकर अब कोमल सबके लिए खाना बनाने चली जाती है और सबके लिए जल्दी से आलू और पूड़ी की सब्जी बनाती है और अपने लिए बस कुछ रोटी। कुछ घंटों के बाद सभी खाना खाने के लिए नीचे आते हैं और कोमल सबके लिए खाना परोस देती है, जिसके बाद कोमल अपने लिए एक बड़ा सा कटोरा लेती है और उसमें आलू की सब्जी डालकर रोटी तोड़कर डालने लगती है और जब रोटी पूरी तरह से गीली हो जाती है तो वो उसे खाने लगती है। उसकी इस हरकत को देखकर कोकिला कोमल से कहती है, अरे बहू ये क्या कर दिया तूने, तूने इस रोटी को पूरी तरह गीली कर दी, अब इसे खा रही है। ओहो ये कौन सा तरीका है खाना खाने का। वो माँ जी मेरे ना कुछ समय से दांत में तकलीफ है तो डॉक्टर ने कहा है कि कोई भी चबाने वाली चीज मत खाना वरना दांत में दर्द और बढ़ जाएगा, इसलिए मैं तब से अभी तक ये गीली रोटियां खाकर ही काम चला रही हूँ। अगर ऐसा है ना तो दाढ़ ही निकलवा ले, ना रहेगी दाढ़ ना रहेगा दर्द। पर माँ जी उसमें तो बहुत दर्द होगा ना और मैं दर्द सहन नहीं कर पाऊंगी। इतने दिनों से ये तुझे दर्द अच्छा लग रहा है, रोज रोज गीली रोटी खाकर अपना काम चला रही है, लेकिन एक बार में ये दाढ़ नहीं हटवानी है तुझे। अरे माँ जी मुझे भी कहाँ पसंद है ये गीली रोटी, लेकिन क्या करूँ अब तो आदत सी हो गई है इसकी। अरे पगली क्या तू नहीं चाहती कि हमारी तरह चटपटा खाना तू भी चबा चबा कर खाए, पूरी जिंदगी इन गीली रोटियों को ही खाकर काटनी है क्या तुझे। कह तो सही रही हो माँ जी आप, ठीक है अब तो इन गीली रोटियों और इस दांत के दर्द से छुटकारा लेना ही पड़ेगा। अपनी सास की बात को मानकर कोमल अगली ही सुबह डॉक्टर के पास जाती है और अपनी दाढ़ ही निकलवा देती है, जिसके कुछ दिनों बाद उसकी दाढ़ का दर्द भी ठीक हो जाता है और वो भी उन गीली रोटियों को खाना छोड़ देती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।